गाइस बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी अभी आप लोगों को फाइनली पता हुआ कि मेरा पेट में गैस बना रहा है, तो हम आ गए हैं ससुराल अपने गैस की दवा लेने के लिए। तो जाएंगे बैजनाथ पर धर्मशाला के अंदर, जो कि वहाँ से दवा लेंगे। थोड़ा मतलब कि पहले से थोड़ा नॉर्मल आराम है, क्या बोला जाए, तो मतलब आयुर्वेदिक दवा है ना, तो थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा फास्ट काम नहीं करता है। अंग्रेजी तो है नहीं, अंग्रेजी तो आप लोगों को पता है कि नुकसान करता है। तो जा रहे हैं फिर से लेने के लिए, मेरे लिए वही अच्छा है, हम वही खाएंगे और इसी से थोड़ा बहुत आराम है। तो आज जाएंगे तो बोलेंगे उनसे, तो कुछ उससे भी अच्छा दवा देंगे। तो जा रहे हैं फाइनली, कल मेरे को निकलना है पटना के लिए भी, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। फाइनली अभी जा रहे हैं राहुल भैया के पास, जो कि राहुल भैया के लॉज पर, वहीं पर है राहुल भैया, सोते हैं थोड़ा उनसे भी मिल लें। राहुल भैया से मिलने के बाद फिर निकलेंगे, तो वहाँ पर धर्मशाला के अंदर जो बोले हैं दवा लेना है मेरे को, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। फाइनली आ गए राहुल भैया के लॉज पर, जो कि देख सकते हैं आप लोग, देखिए आ गए लॉज पर। राहुल भैया के भाई हैं, तो अभी राहुल भैया उधर गए हैं, कुछ बात वगैरह कर रहे हैं, तब तक बने रहिए। फाइनली आ गए राहुल भैया के पास, देखिए कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं राहुल भैया के लॉज पर, क्योंकि यहाँ है लॉज इनका। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा इन्जॉय करने के लिए, फिर उसके बाद चलते हैं धर्मशाला और सभी को दिखाते हैं, तब बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। फाइनली यहाँ से राहुल भैया को बाय बाय बोलते हुए, अलविदा करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। फाइनली राहुल भैया को अलविदा बोलते हुए, बहुत ट्रैफिक है, मतलब देख लीजिए चल रहे हैं हम, मतलब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि यहाँ पर अलविदा बोलते हुए राहुल भैया को निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली राहुल भैया को अलविदा बोल चुके हैं, हम निकल पड़े हैं धर्मशाला के ओर, मैं दवाई लेने को ओर, तब बने रही है और देखते रहिए, चलिए जा रहे हैं, देखिए बने रहिए, जा रहे हैं देखते रहिए। फाइनली आ गए धर्मशाला, जो कि देख सकते हैं आप लोग, देखिए धर्मशाला, यहीं से हम जाएंगे अंदर, जो कि देख सकते हैं इधर आज धर्मशाला का नज़ारा बहुत जान रहते हैं यहाँ पर। फाइनली पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं। तो फाइनली आ गए बैजनाथ, जो कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यहीं पर दवा लेंगे और यहीं से दवा चला रहे हैं सर, आ गए बैजनाथ पर, देख सकते हैं। फाइनली अंकल जी दवा दे रहे हैं, वही वाला साइड मेरे को लग रहा है, नहीं हो रहा है, दवा ले रहे हैं अंकल जी दे रहे हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, तब तक बने रही है हमारे ब्लॉग पर। फाइनली अंकल जी को बाय बाय बोलते हुए निकल रहे हैं, मेरा भी दवा हो चुका, बाय बाय अंकल जी, फिर मिलते हैं। फाइनली अपना दवा लेकर निकल चुके हैं, जो कि देख सकते हैं आप लोग, मौसम ऐसा किया ना क्या बताएं, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है और बादल भी है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। तो हम निकल चुके हैं अपना पैदल सवारी, यहाँ पर मौसम भी जूस पी लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग चुका है, यहाँ पर पी लेते हैं जूस, 30 रुपये का भूख लगा, पी लेते हैं, पीने के बाद निकलते हैं। फाइनली अपना जूस आ चुका, पीना है, आइए पिलाते हैं पोस्टर पीस पर। तो सोच रहे हैं मम्मी के लिए 1 KG अनार ले लेते हैं, क्योंकि मम्मी बोली हैं मम्मी का तबीयत भी खराब है, तो अनार ले लेते हैं, बस यहाँ से फिर निकलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली अपना अनार ले लिए, अब यहाँ से पैसा देंगे, पैसा देकर निकलते हैं। फाइनली अनार ले लिए हैं, तो निकल रहे हैं घर के लिए, बारिश आएगा लग रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, बहुत ट्रैफिक जाम है, देख